हेलो फ्रेंड्स। तो अब तक हम क्वेश्चन नंबर 20 तक देख चुके हैं, जो हमारा एंट्रेंस पेपर है जामिया मिल्लिया इस्लामिया क्लास 9th का, और सेशन हमारा 2022। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। देखिए, मैंने इन वाले क्वेश्चन के नीचे थ्योरी पार्ट जो है मैंने लिखा हुआ है, वो इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आपको इस चीज की नॉलेज हो जाए कि बेसिकली ये सारी चीजें हैं क्या। तो बच्चे क्या गलती करके आ जाते हैं, टिक करके आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। देखिए, हमारे जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो एंट्रेंस पेपर आता है क्लास 9th का, उसके अंदर सब मिक्स आता है। मतलब केमिस्ट्री भी आता है, मैथ्स भी आती है, बायो भी आती है, ठीक है, ये सारी चीजें आती है और इंग्लिश भी आ जाती है। तो आपको इन सब चीजों की नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली आपके फिजिक्स के ही क्वेश्चन आएंगे या फिर ये सीक्वेंस है कि मैथ्स के ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। बीच में से कहीं से भी आ सकता है, तो नॉलेज आपको होनी चाहिए सब्जेक्ट्स की। ओके, तो देखिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 21। आउट ऑफ दीज विच इज एबल टू कंट्रोल फायर, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कंट्रोल कर सकता है फायर को, आग को, NH3CO2H2 या F2, ठीक है। तो देखिए क्या है, CO2 बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर द फायर लाइक ब्लैंकेट एंड आल्सो ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल सिंस कॉन्टेक्ट बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ द फायर कम्स अंडर कंट्रोल। देखिए, आपने देखा होगा जब बड़े बड़े बिल्डिंगों में आग लग जाती है या कहीं पर भी आग लग जाती है, तो आपने देखा होगा सिलेंडर्स होते हैं। उस सिलेंडर के अंदर वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो क्यों होती है, आपको वो बुझा देती है। क्यों? क्योंकि वो हैवियर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हैवियर देन ऑक्सीजन होती है, और उसको कैसे कवर कर लेती है, वो ब्लैंकेट की तरह, जिसकी इसका मतलब क्या हो, वो उसको फैलने नहीं देती, उसको वहीं रोक देती है, ठीक है। ब्लैंकेट क्या करता है, हवा को रोकता है। यानी जब सर्दी होती है, जब हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो हवा आती नहीं है, ठीक है, वो इसी ये हवा को रोकने का काम करती है। तो बेसिकली जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या करती है, फायर को बढ़ने नहीं देती है, वहीं पर रोक देती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, फोर्स चेंज कर सकता है दी, इनमें से कौन सा, ए मोशन ऑफ द बॉडी को, या फिर बी स्पीड ऑफ द बॉडी को, या फिर सी शेप ऑफ द बॉडी, या फिर डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, द एक्शन बाई अ फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव और स्पीड अप टू स्लो डाउन टू स्टॉप और चेंज डायरेक्शन। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, फोर्स क्या होता है, मान लीजिए आप एक बाइक लेके गए, ठीक है, आपने उसको एक्सेलरेशन दिया और वो अपने रास्ते से चलने लगी, तो क्या हुआ, गाड़ी रुकी हुई थी, आपने इंजन ने फोर्स लगाया तो वो गाड़ी चलने लगी। आज फिर आप देखते हैं अचानक से ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है, बाइक रुक जाती है, तो रुकना भी क्या हुआ, फोर्स लगाना हुआ। उसके बाद क्या है, आपने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि आप जो है फोर्स के जरिए उस चीज का, ठीक है, शेप भी चेंज कर सकते हो और साइज भी चेंज कर सकते हो। तो देखिए, इनमें जो ऑप्शन होगा हमारा, फोर्स चेंजेस द मोशन ऑफ द बॉडी भी चेंज, ठीक है, स्पीड ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, ये सारी चीजें फोर्स चेंज कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ये क्वेश्चन में, जो कि इसी वीडियो में है, आप बने रहिएगा आप लोग, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। तो मैंने यहाँ पे तीन क्वेश्चंस लिए हैं, 23, 24 एंड 25। देखिए क्या है, विच ऑर्गेनिज्म कॉजेस एड्स, यानी के विच माने कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉजेस एड्स बनाता है, ए प्रोटोजोआ, ए बैक्टीरिया, ए वायरस, या फिर एनालॉग। तो इसके अंदर से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो देखिए मैंने लिखा हुआ है, एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस,
यानी कि एड जो है इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, एचआईवी। एचआईवी पासिस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए नॉर्मल पर्सन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो ये हमारा जो एड्स होता है वो फैलता कैसे है, सबसे पहली चीज हमें क्या पता चली, ये एक वायरस है, ठीक है। तो ये फैलता कैसे है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन के अंदर कैसे जाता है, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, ये करेक्ट है, यानी कि ए वायरस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो समझ में आया होगा। देखिए, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन द ईयर, यानी कि जिसने डिस्कवर्ड किया फर्मेंटेशन को इन द ईयर 1857 में, कौन सा वो हमारा साइंटिस्ट था। ऑप्शन ए लुईस पाश्चर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर, या ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा लुईस पाश्चर है, ठीक है, जिसने डिस्कवर्ड किया था फर्मेंटेशन इन द ईयर 1857 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। हमारे हमें नाम बताना है कि कौन सी जो है फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट थी। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी INSAT, या ऑप्शन सी EDUSAT, या फिर ऑप्शन डी IRS। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आर्यभट्ट ए, ठीक है, आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो इनको इतना ही रखते हैं, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।